हाई फ्रेंड्स सोल फैमली एंड माई डियर लाइट वर्कर्स आई होप आप सब ठीक हैं सो so, आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आर्क एंजल्स के ऊपर आर्क एंजल्स के बारे में एंड आई विल एक्सप्लेन यू कि ये आर्क एंजल्स कैसे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज़ हैं एंड ये सारे एनर्जीज़ हमारे ही चक्रास के साथ कैसे कनेक्टेड रहते हैं ठीक है सो so, आप में से काफ़ी लोग आर्क एंजल्स के बारे में काफ़ी कुछ आर्क एंजल्स के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे एंड उन्हें उनकी एनर्जीज़ को इन्वोक भी करते होंगे इज इट सो so, आर्ख एंजल्स के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जानना ज़रूरी है दैट वी आर मेड ऑफ ऑल आर्क एंजल्स एज वी आर क्रिएटेड फ्रॉम डिवाइन स्पार्क तो जितने भी आर्क एंजल्स हैं उन सभी का पावर हमारे अंदर पहले से ही है क्योंकि हम भी उसी डिवाइन से उसी डिवाइन स्पार्क से क्रिएटेड हैं ठीक है और स्पिरिचुअल लॉ क्या कहता है कि आस्क एन यू शल रिसीव तो यहाँ हमारा फ्री विल आता है ठीक है दैट यूनिवर्स इज़ वांटिंग टू हेल्प अस गिव अस दोज एनर्जी पावर्स एंड नॉलेज बट कैच होता है कि हमें उसके लिए मांगना पड़ता है वी नीड टू आस्क फॉर इट ओके आस्क एंड यूनिवर्स विल गिव यू आस्क फ्रॉम अ प्योर हार्ट एक नोइंग के इंटेंशन uh, से अगर आप यूनिवर्स से मांगेंगे कि आपको एक नॉलेज uh, चाहिए या आपको यूनिवर्सल विजडम चाहिए सो यूनिवर्स विल डेफिनेटली हेल्प यू विद डैट विजडम ओके और सीखना तो एक सोल का नेचर होता है एक सोल का रूप ही वही होता है एक सोल आती ही इस यूनिवर्स में इसलिए है जिससे वो नॉलेज सीख कर सके ओके सो सीकिंग नॉलेज इज सोल्स नेचर ओके अब आर्केंजल्स होते कौन है दे आर लाइक आर एल्डर्स विच आर विच होल्ड डिफरेंट एनर्जी फॉर्म्स एंड पावर अब हर एक आक आर्क एंजल हैज डिफरेंट एक्सपर्टीज अलग अलग पावर्स को हर एक आर् एंजल्स रिप्रजेंट करते हैं बट वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं फॉर दी हाइएस्ट कॉज सो दे ऑल वर्क इन कॉन्जुकेशन एंड मोर देन वन प्लेस एट अ टाइम ठीक है सो आर्क एंजल्स एक तरह से आप समझिए दैट दे आर ओमली प्रेजेंट ठीक है एक आकेंजल एक बार में एक से ज़्यादा लोगों की हेल्प करते हैं तो ऐसा नहीं सोचिए कि हमने अगर इन वो किया आँख एंजल को तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो किसी और को हेल्प कर रहे हैं और उसको छोड़ के आ जाएंगे नहीं दे कैन बी प्रेजेंट एट मल्टीपल प्लेसेस एट वन टाइम दोज एनर्जी फॉर्म्स सो फील फ्री टू इन एंड एंड गेट बेनिफिट फ्रॉम दोज एनर्जीज़ ठीक है और उनको आप प्यार से बुलाइए कुछ लोग काफ़ी सारे टेक्निक्स तरीके सिखाते हैं बट uh, जो मेरा नॉलेज है वो आपको यही समझाएगा कि आप अगर दिल से प्यार से फ्रॉम अ प्योरेस्ट कॉर्नर ऑफ योर हार्ट अगर किसी भी डिवाइन को या आर्क एंजिल को इन्वोक करेंगे तो वो एनर्जीज इन्वोक होती हैं बाकी वेर एवर योर गाइडेंस एंड योर विजडम टेक्स यू सो लेट्स बिगिन विद आर्क एंजल माइकिल के जो सबसे ज़्यादा पावरफुल आर्केंजल्स में से माने जाते हैं ही इज ग्रेट डिफेंडर और हम उन्हें प्रोटेक्शन सीख करने के लिए उनकी एनर्जीज़ को इन्वोक करते हैं ही सिंबलाइजेस प्रोटेक्शन उनके एक हैंड में स्वॉर्ड रहता है विच इज़ ऑलवेज डिफेंडिंग यू क्रिएटिंग दैट एनर्जी बबल अराउंड यू ओके एंड ही इज सिंबल फॉर स्ट्रेंथ करेज एंड प्रोटेक्शन उनका जब प्रेजेंस आता है जब हम वो प्रोटेक्शन एनर्जीज फील करते हैं सो इट इज़ वेरी रीअश्योरिंग वो हमें अश्योरेंस दिलाते हैं कि अब हम सेफ हैं और प्रोटेक्टेड हैं ही इज़ अ सिंबल फॉर हीलिंग पॉजिटिविटी एंड ट्रूथ विद इन ठीक है आग एंजल माइकल की एनर्जीज को सीख करके हम हमारे ही अंदर का ट्रुथ जान पाते हैं और स्पिरिट एनिमल्स जो उनसे एसोसिएटेड है वो है फैल्कन एंड हॉक हॉक यानी एक हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना दैट इज़ द सिंबल फॉर हॉक ओके नाउ दूसरे हमारे आर्क एंजल हैं आर्क एंजल रेफियल अब ये आर्क एंजल का वर्ड बना है हिब्रू वर्ड से रॉफी जिसका मतलब है डॉक्टर क्यों क्योंकि आर्क एंजल रेफियल इज द डिवाइन हीलर उनकी एनर्जीज हम हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं और सिर्फ ह्यूमंस नहीं अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सभी को हील करने के लिए हम आकेजल राफियल के एनर्जीज़ को इन्वोक कर सकते हैं ही इज दी नर्चरिंग एनर्जी ऑफ वुल्फ ओके और ये एक डियर के फॉर्म में भी रहते हैं विथ सिम्बलाइज हीलिंग और एक हमारे लिए रिमाइंडर है कि हम हमारे साथ ही आराम से रहें आराम से बिहेव करें बी जेंटल विथ सेल्फ Next is Archangel Metatron, and my personal uh, uh, inclination is a lot towards this energy because he is an initiator of powerful change and subconscious healing. Okay, or Archangel Metatron is the keeper of Akashic records. ठीक है एंड ये आ, हमारी हीलिंग के लिए मेटाट्रॉन क्यूब यूज करते हैं जो हमारे मरकाबा में फॉर्म होता है ये अगर जब हम सेक्रेट ज्योमेट्री को थोड़ा सा स्टडी करेंगे तब इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर सकते दैट व्हाट इज मेटाट्रॉन्स क्यूब और ये मेटाट्रॉन्स क्यूब क्यूब क्लॉकवाइज घूमता है लाइक इन अपर मरकबा और इसका जो सेंट्री फोर्स है वो अनवॉन्टेड एनर्जीज को बाहर पुश कर देता है ठीक है सो आर्क एंजल मेटाट्रॉन इज ऑल्सो द कीपर ऑफ सेक्रेट ज्योमेट्री ये एनर्जी के पास सेक्रेट जोमेट्री का सारा विजडम है एंड ऑल दिस्टोरिक यूनिवर्सल नॉलेज ओके और की एनर्जीज जब हम इन्वोक करते हैं उस एनर्जीज में फेथ रखते हैं देन वी सी द दिराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन विद इन अस ओके आर्जल मेटाट्रॉन हमें हेल्प करते हैं कि हम हमारा माइंड अननेसेसरी जो थॉट्स है जो क्लटर्ड थॉट्स हैं उसे क्लियर करें अब ये दो स्पिरिट एनिमल्स को सिंबलाइज आर दी सिम्बल्स ऑफ आर्क एंजल मेटाट्रॉन एक तो बटरफ्लाई विथ सिम्बलाइजिज़स ट्रांसफॉर्मेशन एंड ईगल विच इज़ अगेन अटेंशन टू डिटेल सो हर एक आर्क इंजिल से एसोसिएटेड विद डिफरेंट एनर्जी कलर्स डिफरेंट स्पिरिट एनिमल्स डिफरेंट क्रिस्टल्स बट वो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं मैंशन किया है एनर्जी कलर्स तो आपके ही इमेजिनेशन um, यूज़ कर सकते हैं वेन यू आर ट्राइंग टू इन्वोव दैट कि आप किस रूप में अपने आर्केंजिल को देखना चाहते हैं या यू कैन स्टडी मो ऑन डैट नेक्स्ट है हमारे आर्क एंजल गेब्रियल हु इज़ दी यूनिवर्सल मैसेजर जो डिवाइन के यूनिवर्सल मैसेजेज हमारे पास लेकर आते हैं और अगर आपके आसपास किड्स हैं आपके बच्चे हैं तो उनकी हीलिंग और प्रोटेक्शन के लिए आप आर्क एंजल गेब्रियअल के एनर्जीज इन्वोक कर सकते हैं ये ही इज़ ऑल्सो एसोशिएटेड ही शी बिकॉज एंड आर कैंजल प्योर स्पिरिट इज़ जनरल सो आई विल से इधर ही शी जिस फॉर्म में आप इन्हें देखना चाहें इज़ एसोशिएटेड विद क्रिएटिविटी ओके एंड ये एक्वेटिक बर्ड्स के फॉर्म में हमें कभी कभी विजिट करती है इनकी एनर्जीज दम आर्जल एजरेल ही इज़ हीलर ऑफ मेंटल एंड इमोशनल एन्जाइटीज़ जब भी हम कोई फैमिली लॉस या लॉस ऑफ अ क्लोज पर्सन किसी फ्रेंड के लॉस से डील कर रहे हैं वी कैन इन्वोक हिम एंड वो हमें उस लॉस से हील करने में हेल्प करते हैं और हम उस डिपार्टेड सोल के पीस के लिए भी वी कैन प्रे टू आर्क एंजल एजरीयल ही हेल्प्स with healing loss and depression. Energies को ground करने में Archangel एज्रियल help करते हैं and then doves represent his energy which is energy of peace. And he helps in healing stress, addiction, and grief. There are many more archangels Archangel uh, Zedkiel, who is the angel for forgiveness and helps us with healing abuse. Then there's Archangel Jophiel, who is giver of joy. आर्क एंजल जेरेमियल जो एंजल हैं मर्सी के ग्रेस के डिवाइन जस्टिस के स्पेशली अगर आप कोई लॉ सूट्स या आपके ऊपर कोई केसेस चल रहे हैं तो बोलते हैं कि इफ़ यू इनवोक हिज एनर्जीज़ ही विल हेल्प यू विद दोज़ एंड ये फीलाइंस लाइक चीता है लायन हो गया उस फॉर्म में इनकी एनर्जीज़ को रिप्रजेंट किया जाता है आर्क एंजल चैम्यूल इज़ फॉर हीलिंग एनजाइटीज़ ओके आर कैंजल रेग्यल इज फॉर सोल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड ही इज द पीस कीपर ऑफ सिंकरोनी सिटीज ओके आर केंजल रेजियल इज कीपर ऑफ मिसट्रीज मिस्ट्री यानी आई वुड से हियर इज एनी नॉलेज दैट यू आर नॉट अवेयर ऑफ वुड बी द मिस्ट्रीज सो ही इज द कीपर ऑफ ऑल द नॉलेज जिसे हम मिस्ट्री बोलते हैं जो हमें अभी तक पता नहीं है आर कैंजल हैियल इज द की इज द एंजल फॉर इन वोकिंग क्लैर वोन्स विद इन यू अब ये अलग अलग आर्क का पावर हमारे ही आ... Uh, सारे चक्राज में रहता है लाइक like, जो अर्थ गेटवे है जो हमारे थर्टीन चक्राज या ट्वेल्व चक्रा सिस्टम जिसे हम बोलते हैं अर्थ गेटवे जो चक्रा होता है दैट सिम्बलाइज द एनर्जीज ऑफ आर्जल सैंडलफन अर्थ स्टार इज़ आर कैंजल एजरियल रूट चक्रा पे वी हैव एनर्जीज ऑफ आर कैंजल जोफियल सेक्रल चक्रा इज़ आर केंजल हैनियल सोलर प्लेक्सेज योर प्रोटेक्शन फॉर करेज इज़ एसोशिएटेड विद एनर्जीज ऑफ़ आर्क एंजल माइकल हार्ट चक्रा इज़ आर्क एंजल चैम्यल थ्रोट चक्रा इज़ आर्क एंजल जेडकियल थर्ड आए आर्क एंजल रेफियल के एनर्जीज क्राउन चक्रा इज एनर्जीज ऑफ आर्क एंजल गेब्रियल सोल स्टार चक्रा इज एनर्जीज ऑफ आर्क एंजल रेजियल स्टीलर गेट वे चक्रा विच इज योर इलेवेंथ चक्रा इज़ आर के एंजल जर्मियल देन योर यूनिवर्सल गेट वे चक्रा इज़ एसोशिएटेड विद आर केंजल यूरियल एंड देन फाइनली द कॉस्मिक गेट वे चक्रा असोशिएट्स द एनर्जी ऑफ आर कैंजल मेटाट्रॉन अलग अलग रेफरेंस लिंक्स में अलग अलग बुक्स में अलग अलग ब्लॉग्स में लिंक्स में ये शायद थोड़े एनर्जीज चेंज हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों ने इसको अलग चक्राज के साथ एसोशिएट किया है बट दिस इज़ वॉट नॉलेज जो मैंने जो मुझे मिला है दैट दीज आर दी आर्क एंजल्स विद दीज चक्रज ओके सो द इन शॉर्ट इट इज़ लाइक जो भी एनर्जीज़ हम इन्वोक करना चाह रहे हैं दैट इज़ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दी एनर्जीज दैट आर ऑलरेडी विद इन आस ठीक है सो दिस वॉज ब्रीफ और बहुत ही छोटा सा डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल दी आर्क एंजल्स अराउंड अस थैंक यू